एंटी डायबिटिक, ऐसे एजेंट जिनका यूज अपन डायबिटीज मेलाइटिस को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस इज अ क्रॉनिक डिजीज जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है। एंटी डायबिटिक एजेंट को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इंजेक्टिव एजेंट्स और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। फर्स्टली देखते हैं इंजेक्टिव एजेंट्स के बारे में। तो ऐसे एजेंट जो पेंक्रियास के बीटा सेल द्वारा सिक्रेटेड प्रोटीन के सिंथेटिक फॉर्म होते हैं जिनको क्लिनिकली प्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, इंसुलिन है, सिंथेटिक एमाइलिन है और इनक्रेटिंग मेमेटिक्स है। फर्स्टली इंसुलिन के बारे में देखते हैं, तो ये मोस्ट कॉमन यूज इंजेक्टिव हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस में यूज करते हैं। इसको कभी भी ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड नहीं करते हैं और इंसुलिन के साइट को हमेशा चेंज करते हैं लिपोडिस्ट्रॉफी से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंसुलिन प्रिपरेशन। 4 टाइप के इंसुलिन प्रिपरेशन होते हैं। फर्स्ट क्या है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग, थर्ड इंटरमीडिएट एक्टिंग और लास्ट लॉन्ग एक्टिंग। फर्स्टली देखते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, एग्जाम्पल क्या है लिस्प्रो, एस्पार्ट और ग्लोलिसिन। ये प्रिपरेशन हमें इमरजेंसी कंडीशन जैसे डायबिटीज कीटोसिडोसिस में यूज करते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है 0 to 15 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 3 to 4 आवर, पीक लेवल 2 to 4 आवर। नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग, एग्जाम्पल है ह्यूमलिन आर नोवलिन आर, इसका यूज भी अपन इमरजेंसी कंडीशन में ही करते हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है 30 to 45 मिनट, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 6 to 8 आवर और पीक लेवल 2 to 4 आवर। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग, एग्जाम्पल है आइसोफेन और लेंटे इंसुलिन, लेकिन इनका यूज अपन इमरजेंसी कंडीशन में नहीं करते हैं, ठीक है। फर्स्टली देखते हैं आइसोफेन का, ऑनसेट ऑफ एक्शन 1 to 2 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 to 19 आवर, पीक लेवल 5 to 7 आवर। नेक्स्ट है लेंटे इंसुलिन, ये मिक्सचर होता है 30% सेमी लेंटे और 70% अल्ट्रा लेंटे का। ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या होता है 1 to 3 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 30 to 20 आवर और पीक लेवल होता है 4 to 8 आवर। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, एग्जाम्पल है अल्ट्रा लेंटे, डेटेमिर और ग्लारजिन। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है 2 आवर, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है 24 आवर, ठीक है, लेकिन ये रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं कंपेयर टू लेंटे इंसुलिन, ठीक है। तो ये बेटर चॉइस होते हैं, ठीक है, ये कंसिस्टेंट सर्कुलेट होते हैं 24 आवर तक और सेफ भी होते हैं एनपीएच और लेंटे कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेथड ऑफ इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंसुलिन को सिरिंज के थ्रू, इंसुलिन पेन के थ्रू और एक्सटर्नल इंसुलिन पंप के थ्रू दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन से, तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू ओवरडोज हाइपर, ठीक है। नेक्स्ट है वेट गेन, नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन और लास्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ये सिंथेटिक प्रिपरेशन होते हैं जो इंसुलिन के रिलीज और मेटाबॉलिक रिस्पांस को स्टिमुलेट करते हैं हाइपरग्लाइसेमिक के पेशेंट में। जनरली इनका यूज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में किया जाता है टैबलेट के फॉर्म में। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में 2 फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं, पहला है इंसुलिन का सिक्रेशन एबनॉर्मल हो जाता है और दूसरा क्या है इंसुलिन का एक्शन क्या हो जाता है रजिस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, सो देयर आर 7 टाइप ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बेसिस अपॉन स्ट्रक्चर। फर्स्ट है सल्फोनिल यूरियाज, एग्जाम्पल है एसिटोहेक्सामाइड, क्लोरोप्रोपेमाइड, ग्लाइब्यूराइड और ग्लिपिजॉइड। नेक्स्ट है मेग्लिटिनाइड्स, एग्जाम्पल है रिपेग्लिनाइड, नेटेग्लिनाइड, फिर नेक्स्ट है बिग्वानाइड्स, एग्जाम्पल है इसके मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट है थाइजोलिडिन डायोनिस, एग्जाम्पल है पायोग्लिटाजोन और रोजिग्लिटाजोन। नेक्स्ट है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, एग्जाम्पल है एकार्बोस और मिग्लिटॉल। नेक्स्ट है DPP-4 इनहिबिटर, एग्जाम्पल है सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन और लिंगलिप्टिन। और लास्ट है सोडियम ग्लूकोज 4-ट्रांसपोर्ट-2 इनहिबिटर, एग्जाम्पल है डेपाग्लिफ्लोजिन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, फर्स्टली देखते हैं सल्फोनिल यूरियाज एंड मेग्लिटिनाइड के मैकेनिज्म को। तो ये दोनों एजेंट क्या करते हैं पेंक्रियाटिक इंसुलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन क्या है कि जब भी कोई ग्लूकोज पेंक्रियास के अंदर इंटर करता है तो एक GLUT1-3 रिसेप्टर के थ्रू बीटा सेल के अंदर आता है, यहाँ पर ये ग्लूकोकाइनेज एंजाइम के थ्रू ATP में कन्वर्ट होता है। अब ये ATP क्या होता है पोटेशियम चैनल में जाके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं जिसके कारण सेल के अंदर पोटेशियम आयन की संख्या बढ़ती है और ये मेम्ब्रेन को डीपोलराइज कर देते हैं जिसके कारण क्या होता है कैल्शियम आयन के चैनल ओपन होते हैं और कैल्शियम आयन अंदर इंटर करता है। ये कैल्शियम आयन इंसुलिन कंटेनिंग वेसिकल के साथ बाइंड होकर इंसुलिन को रिलीज करते हैं। जनरली ये ड्रग क्या करते हैं ये ड्रग पोटेशियम चैनल के साथ बाइंड होते हैं और पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देते हैं जिसके कारण फिर से पोटेशियम चैनल की संख्या आयन की संख्या सेल के अंदर बढ़ जाती है और फिर से मेम्ब्रेन डिपोलराइज होता है और ये फिर से कैल्शियम आयन को इंटर करते हैं और ये इंसुलिन के सिक्रेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ये ड्रग क्या करते हैं बीटा सेल की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं किसके अगेंस्ट ग्लूकोज के अगेंस्ट जिसके कारण क्या होता है हेपेटिक ग्लूकोज का सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब जो दोनों एजेंट है सल्फोनिल यूरियाज और मैग्लिटिनॉइड ये दोनों ही पोटेशियम आयन को ब्लॉक करते हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइड पे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अब मैग्लिटिनॉइड क्या होता है फर्स्ट चॉइस होता है एज कम्पेयर टू सल्फोनिल यूरियाज के, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट क्या है इसका वेट गेन है हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म है बिग्वानाइड्स का,
तो ये इसका मैकेनिज्म एंटायरली नहीं होता, बट बेसिकली ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करते हैं। बिग वन एट क्या करते हैं, हेपेटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं, साथ में ये गट में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो करते हैं और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या है, नोजिया, वोमिटिंग और लॉस ऑफ एपिटाइट। नेक्स्ट है थाइजोलिडिन डायोनिस। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे प्रोटीन जीन का प्रोडक्शन करते हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, थायोसुलिडिन डायोनिस क्या होता है, एक्टिवेट करता है किसको, PPAR गामा को, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक रिसेप्टर है। ये किसके साथ बाइंड होता है, DNA के साथ बाइंड हो जाता है। और ये किसको ट्रिगर करता है, ऐसे जीन को ट्रिगर करता है जो इंसुलिन सेंसिटिव प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं एडिपोज टिश्यू में, स्केलेटन मसल में और लीवर में। अब लीवर में ये क्या करता है, हेपेटिक ग्लूकोज के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। और ये एडिपोज टिश्यू में क्या करता है, ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर देता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है, वेट गेन, एडिमा, पेरिफेरल। नेक्स्ट मैकेनिज्म है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट टू इनहिबिटर का। बेसिकली हम जानते हैं कि PCT रिस्पॉन्सिबल होता है 90% ऑफ ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये इनहिबिटर क्या करते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट चैनल में जाके उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है इसके, नोजिया है, वेट लॉस है, इंक्रीज थ्रस्ट है और यूरिनेशन भी इंक्रीज हो जाता है और UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर का। बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन की ब्रेस्ट बॉडी एपिथेलियम में अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, पॉलीसेक्राइड को मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन गट में आसानी से हो जाता है। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर क्या करते हैं, ये एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन डिलेड हो जाता है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है। साइड इफेक्ट क्या क्या है, एब्डोमिनल क्रैम्प और डायरिया। सो दीज आर द एंटी डायबिटिक एजेंट। इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी थ्रू जीमेल, फेसबुक, ब्लॉगर एंड इंस्टाग्राम। सो थैंक यू।